इस्लाम कवानीन की पाबंदी हमें करने का दर्स देता है, यानी जहां अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह का कानून आया, हमें मानना चाहिए दिल से। जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात मिले, हमें मानना चाहिए और अमल करना चाहिए दिल से। किसी किस्म की हिलो हुज्जत की गुंजाइश नहीं है, यानी इस्लामी माशरे में कवानीन की पाबंदी से हम जन्नत भी हासिल कर सकते हैं बाद अस दुनिया, और इस दुनिया को भी हम पुरअमन बना सकते हैं अगर हम अपने माशरे में कानून का एहतराम करें। इस्लामी कानून और रियासती कानून, दोनों कानून आपस में नहीं टकराता। लिहाजा इस्लामी माशरे में कवानीन की पाबंदी कीजिए, आप भी सुख से रहेंगे और आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, आपको दुनिया में इज्जत भी मिलेगी और आपको बाद अस दुनिया इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा सिर्फ अपने माशरे में कवानीन की पाबंदी से। अल्लाह के कानून की पाबंदी, रसूल के दिए हुए बनाए हुए कवानीन की पाबंदी, और रियासत जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून की पाबंदी को लाजिम पकड़ लें। आप मत देखें कि मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा ख़ानदान, मेरा सियासतदान कानून की पाबंदी नहीं करता, वो तो मावराए कानून है। हम छोड़ें, हम अपनी फ़िक्र करें। जब मैं सही रहूँगा मेरे बच्चे सही रहेंगे, जब मैं सही रहूँगा मेरा कबीला सही रहेगा, जब मैं सही रहूँगा मेरा माशरा सही हो जाएगा। यानी जैसे अवाम वैसे ही हुक्मरान रब बारी ताला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला।